विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। श्री काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण विस्तारीकरण परियोजना में निर्मित की जा रही दुकानों परिसंपत्तियों के संदर्भ में किसी के द्वारा जालसाजी करने की नीयत से विभिन्न सोशल माध्यमों पर किराए पर उठाने विक्रय किए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बाबत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें मंदिर प्रशासन का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। इस संदर्भ में जाँच कराने पर ज्ञात हुआ कि शशिकांत चौरसिया नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय किए जाने हेतु संपर्क करने की अपील की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए इसके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी से अपील की गई है कि इस तरह की जालसाजी से दूर रहें तथा किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मंदिर कार्यपालक से संपर्क करें। मंदिर प्रशासन द्वारा सोशल माध्यमों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अखबार में प्रकाशित खबर की जांच पड़ताल कराई गई तो ये प्राप्त हुआ कि शशिकांत चौरसिया नाम का व्यक्ति फेसबुक एवं अन्य माध्यमों पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रही दुकानों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा था और इस तरह का भ्रम फैला रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दुकानें आवंटित की जा रही हैं। इस संदर्भ में मंदिर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस जानकारी के प्राप्त होने पर इसके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है तथा सभी नागरिक जनों से निवेदन है कि इस प्रकार की अफवाहों से बचें। यदि कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल मंदिर कार्यालय से संपर्क करें या काशी विश्वनाथ मंदिर की वेबसाइट पर दिए गए टोल फ्री नंबर से संपर्क करके वस्तुस्थिति की जानकारी ले सकते हैं।